हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे हमें पढ़ना है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही थी और फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा था, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया था। जैसा फॉर्मूला इसका होता है वैसे ही बस इसका होता है, थोड़ा अंतर है। इसमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसमें सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इंटू मोलेलिटी। इसमें हमारे पास सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, तो सॉल्वेंट वाले को पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन वाले को बाद में। Kf लिखेंगे, मोलेलिटी की वैल्यू लिखेंगे, तो मोलेलिटी की वैल्यू होती है वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हमने लिया है ग्राम में तो हम इसको